बॉलीवुड की मोस्ट कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी को आज भी कोई भुला नहीं पाया है और फिल्म का सेकंड पार्ट भी कम दमदार नहीं था और अब खबरें हैं फिल्म का तीसरा पार्ट भी बनने जा रहा है। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिगड़ी को एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस बेकरार हैं और अब आपके लिए हम खुशी की खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि खुद अक्षय कुमार ने कंफर्म किया है कि वो इस फिल्म का हिस्सा हैं और फिल्म हेरा फेरी का तीसरा पार्ट बनने जा रहा है। दरअसल हाल ही में अक्षय कुमार फिल्म गोल के प्रमोशन के लिए दिल्ली आए थे, तब उन्होंने इसकी जानकारी दी और खबर है कि फिल्म 2019 के जून तक रिलीज हो जाएगी। फिल्म का डायरेक्शन इंदर कुमार करेंगे। बता दें कि हेरा फेरी के फर्स्ट पार्ट को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था तो वहीं दूसरा पार्ट नीरज वोरा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म के दूसरे पार्ट के डायरेक्टर नीरज वोरा ने तीसरे पार्ट की भी तैयारी शुरू कर दी थी लेकिन अफसोस अचानक बीच में उनका निधन हो गया। खैर अब देखते हैं कि फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। अक्षय कुमार ने तो कंफर्मेशन जरूर दे दिया है। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बॉलीवुड की मोस्ट कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी को आज भी कोई भुला नहीं पाया है और फिल्म का सेकंड पार्ट भी कम दमदार नहीं था और अब खबरें हैं फिल्म का तीसरा पार्ट भी बनने जा रहा है। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिगड़ी को एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस बेकरार हैं और अब आपके लिए हम खुशी की खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि खुद अक्षय कुमार ने कंफर्म किया है कि वो इस फिल्म का हिस्सा हैं और फिल्म हेरा फेरी का तीसरा पार्ट बनने जा रहा है। दरअसल हाल ही में अक्षय कुमार फिल्म गोल के प्रमोशन के लिए दिल्ली आए थे, तब उन्होंने इसकी जानकारी दी और खबर है कि फिल्म 2019 के जून तक रिलीज हो जाएगी। फिल्म का डायरेक्शन इंदर कुमार करेंगे। बता दें कि हेरा फेरी के फर्स्ट पार्ट को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था तो वहीं दूसरा पार्ट नीरज वोरा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म के दूसरे पार्ट के डायरेक्टर नीरज वोरा ने तीसरे पार्ट की भी तैयारी शुरू कर दी थी लेकिन अफसोस अचानक बीच में उनका निधन हो गया। खैर अब देखते हैं कि फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। अक्षय कुमार ने तो कंफर्मेशन जरूर दे दिया है। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।